हेलो दोस्तों, ऑनलाइन बैंकिंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन से पैसा कैसे जमा करते हैं बिना एटीएम कार्ड का। मतलब आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है ना, तो भी आप अपने अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं एटीएम मशीन से। इस वीडियो में यही बताएंगे कि बिना एटीएम कार्ड से पैसा कैसे जमा करते हैं। और अगर एटीएम कार्ड आपके पास है और जमा करना है अपने अकाउंट में, तो जैसे वीडियो ख़त्म होगा ना, तो लास्ट में एक वीडियो दिखेगा, लास्ट में जैसे 20 सेकंड पहले एक वीडियो दिखेगा, जब उस पर क्लिक करेंगे ना, तो उस वीडियो में यही बताएं कि एटीएम कार्ड से पैसा कैसे जमा करते हैं। मतलब एटीएम कार्ड है ना, और एटीएम कार्ड होने के बाद आप एटीएम मशीन से पैसा कैसे जमा करते हैं, उस वीडियो में देख सकते हैं। चलिए ये वीडियो देख लीजिए कि एटीएम बिना एटीएम कार्ड का पैसा कैसे जमा करते हैं। तो आपको अपने नज़दीकी एटीएम मशीन पर जाना है, बैंक ऑफ बड़ौदा का एटीएम मशीन पर। और जाने के बाद यहाँ पर एक लास्ट में नीचे एक ऑप्शन रहेगा, सेलेक्ट फॉर कार्डलेस डिपॉजिट, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, यहाँ कृपया अपना भाषा को चयन करें। यहाँ पर अपना भाषा को चयन करना है, तो अभी हम इंग्लिश में बता रहे हैं, हिंदी में नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। तो चलिए हम इंग्लिश पर क्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश में बताएंगे। और उसके बाद ये वो जैसे इंग्लिश पर क्लिक करेंगे, तो प्लीज़ एंटर कोड, मतलब 14 डिजिट का आपको अकाउंट नंबर डालना है। तो जो भी आपका बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नंबर है, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो या तो आपका हो या अपने दोस्त का हो, उनका भी आप जमा कर सकते हैं। तो उनका अकाउंट नंबर डाल दीजिए, या तो आपका होगा, तो आपने डालने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो प्लीज़ री एंटर, वो जो आप अकाउंट नंबर डाले हैं, ये बोल रहा है कि आप दोबारा अकाउंट नंबर डालिए कि वेरीफाई हो जाए कि आप गलत तो नहीं डाल रहे हैं ना। तो आपको फिर से दोबारा डालना है अकाउंट नंबर, और डालने के बाद यहाँ पे आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो आप देख लीजिएगा सब चीज़ सही है, तो आप फिर से कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। जैसे कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, तो कुछ वार्निंग देगा, बोलेगा कि आपको कटा फटा उठा नोट नहीं डालना है। जब सब चीज़ ठीक है, तो यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, तो यस या नो, तो आपको यहाँ पे यस पर क्लिक कर देना है। चलिए हम यस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे यस पर क्लिक करेंगे, तो प्लीज़ वेट, आपको कुछ देर वेट करना है, मतलब 2 सेकंड। और जैसे आपको यहाँ पे नाम दिखाई देगा, जिनका अकाउंट नंबर डाले होंगे, तो देखिए मेरा नाम दिखाया है, और अकाउंट नंबर भी दिखाएगा और नाम भी दिखाएगा। तो सब चीज़ ठीक है, तो आपको करेक्ट पर क्लिक कर देना है। चलिए हम करेक्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे करेक्ट पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर आपके इस तरह का आएगा। तो आपको ये बोल रहा है कि मतलब आपको 500 का और 100 का और 2000 का ही नोट डालना है। आप 200 का अगर मैं बाद में कभी 200 का आपके एटीएम मशीन पर दिखाता है, तो ही डालिएगा। अगर मैं आपके एटीएम मशीन पर नहीं दिखाता है 200 का, तो आप 200 का ना डालिएगा, जितने का दिखाएगा। क्योंकि अभी तो इंडिया में एटीएम ज़्यादा करके ले रहा है, एटीएम मशीन जो डिपॉजिट कर रहा है ना, तो 100 का, 500 का, 2000 का ही ले रहा है। तो आपको 100 का, 500 का, 2000 का ही नोट एटीएम मशीन में डालना है। हम बता दें कि अभी देखिए, ना ही 200 का डाल सकते हैं, ना ही 50 का डाल सकते हैं। हो सकता है कि बाद में इन लोग अपडेट कर दें, तो आप डाल सकते हैं, पर जो आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, आपको वही डालना है। तो ज़्यादातर 99% है 100 का, 500 का, 2000 का ही दिखाएगा। और ये हम बता दें कि आपको कितना पैसा जमा करना है। मैं अभी पूरा फुल वीडियो बता रहा हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कितना जमा करना है। तो आपको ये 100 रुपये से लगा के और 20,000 रुपये तक जमा करना है, एटीएम मशीन के अंदर डालना है। तो जो भी है, आप 100 रुपये से 20,000 रुपये तक जमा कर सकते हैं। तो चलिए, जब इस तरह का आएगा ना, तो आपको एक एटीएम बॉक्स खुलेगा, नीचे एक बॉक्स खुलेगा इस तरह, जिसे हम स्लॉट भी कहते हैं। तो कुछ इस तरह का बॉक्स खुलेगा, और उसमें आप 100 रुपये से लेकर 20,000 के बीच जितना भी पैसा जमा करना है, उसमें डाल देना है। और जैसे डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिक बंद भी हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो आप डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक कीजिएगा। चलिए हम क्लिक करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे, तो प्लीज़ वेट, आपको कुछ देर वेट करना है, 2 सेकंड। और उसके बाद आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरह का आएगा, ये बोल रहा है कि अगर मैं आप जितना भी पैसा डाले रहेंगे ना, तो बीच में दिखाएगा कि आप इतने का इतने का नोट डाले थे। तो देखिए, हम डाले थे 100 का नोट डाले थे, 5 नोट, तो यहाँ पर 500 होता है। अगर मैं हम 500 का नोट डाले थे 2, तो यहाँ पर 1000 होता है। और 2000 का नोट हम 3 डाले थे, तो यहाँ पर 6000 होता है। और टोटल मिला के यहाँ पर 7500 होता है। तो ये हमारा सब चीज़ ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 100 का, 500 का नोट डालेंगे, तो लेफ्ट साइड में बताएगा, और जितना जितना नोट डालेंगे, ये बीच में भी दिखाएगा। मतलब आप 2 डाले थे, 3 डाले थे, बीच में दिखाएगा। और यहाँ पे कितना कितना जमा हुआ, कितना कितना पैसा हुआ, ठीक है, ये राइट साइड में दिखाएगा, और नीचे ला ये टोटल बता देगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि जितना भी आप पैसा डाले रहेंगे ना, 100 का, 500 का, वो गिन लीजिएगा आप पहले, फिर एटीएम मशीन में डालिएगा। और जब डालेंगे, तो यहाँ पर दिखाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर सब चीज़ ठीक है, तो आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है। और ऐड करना होगा, तो ऐड पर क्लिक कीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम होता है तो कैंसिल पर क्लिक कीजिएगा। चलिए, हमारा सब चीज़ ठीक है, तो हम कंफर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे कंफर्म पर क्लिक करेंगे, तो प्लीज़ वेट, कुछ देर वेट करना है आपको।
और वो आपको स्लिप दे देगा, वो मतलब आपका पैसा जमा हो जाएगा। उस स्लिप में आपको ये रहेगा कि मतलब कितना पैसा, कितने कितने डाले थे, आपका कितना अमाउंट बच गया लास्ट, मतलब कितना उसमें डिपॉजिट हुआ है, और सब चीज़ स्लिप मिल जाएगा। पर देखिए, हम स्लिप बनाने की कोशिश किए पर स्लिप नहीं बन पाया, क्योंकि इस वीडियो को हम इमेज के थ्रू एडिट करके बनाए हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके ये बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा रहा, इमेजेस वाला, मतलब इसको हम एडिट किया है इमेज के थ्रू। तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके ये बताइएगा वीडियो कैसा रहा। और बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब बिना एटीएम कार्ड से पैसा कैसे निकालते हैं, एटीएम कार्ड से पैसा कैसे जमा करते हैं, एटीएम कार्ड से, मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से, बैंक ऑफ बड़ौदा का सारा वीडियो हम लेके आते हैं। तो अगर मैं वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा कि अगर मैं आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का जानकारी लेना है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो हम जो भी नया नया वीडियो लाएंगे वो आपको मालूम पड़ता रहेगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।